ये देखिए कितनी गंदी लगी है। ये पांडवों के टाइम से ही जो है शिवलिंग है। ये पंडित जी हमें एक गुफा की ओर लेके जा रहे हैं। ये है वो शिवलिंग जो पांडवों ने अपने हाथ से बनाया था। Hey guys, welcome to our new vlog. Hello guys, कैसे हो? तो जैसा कि आपको थंबनेल दिख ही चुका है, आज हम जाने वाले हैं शिव मंदिर, तो जो कि मादीपुर में है। और ये है पांडव कालीन शिव मंदिर, जो कि पांडवों ने यहाँ पे आके रेस्ट किया था महाभारत के बाद और शिव जी की पूजा की थी। बाकी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे और बताएंगे वहाँ उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो चलो चलते हैं भाई। निकल चुके हैं हम इस सर्द भरे मौसम में बाहर और हमारी हयाबूजा है तैयार। चले आओ गाइस, फटाफट चलते हैं। भाई ये है हमारा प्राचीन शिव मंदिर। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने प्राचीन शिव मंदिर और ये है यहाँ का रास्ता जो कि मादीपुर गांव का रास्ता पड़ता है। तो अगर आपको किसी को यहाँ पर आना हो दर्शन के लिए तो आप जरूर आ सकते हैं, जो कि मादीपुर गांव की तरफ ये पड़ता है। यहाँ पर आप अपने शूज वगैरह जमा करवाते हो और यहाँ से हमारी एंट्री होती है। और आप बाकी देखो, ये पूरा इतना बड़ा यहाँ पर कॉरिडोर सा आपको मिलेगा और यहाँ से हमारी एंट्री होती है। तो अब चलिए अंदर की तरफ आपको हम दिखाते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ, ये मेन है शिव जी की पूजा जहाँ होती है। ये देखिए कितनी गंदी लगी है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर में, जैसा कि आपको हमने दिखाया अभी गेट वगैरह और मेन जो शिव जी की प्रतिमा है हम आपको दिखाते हैं अब अंदर चल के वहाँ पे। तो चलो चलते हैं। ये देखिए यहाँ जो शिव जी की प्रतिमा है ये है यहाँ पे, जो कि पांडव कालीन है। जब पांडव यहाँ आए थे तब उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ की थी। तो गाइस यही है वो शिवलिंग जो पांडवों ने अपने हाथ से बनाया था खुद, जो एक्चुअल का उतना पुराना प्राचीन जो शिवलिंग है वो यही है हमारा। जय हो शंकरा। तो गाइस चलो आओ अब आपको थोड़ा पूरा मंदिर दिखाते हैं हम धीरे धीरे। आ जाओ तो गाइस अभी हमने आपको शिवलिंग दिखा दी है जो मेन शिवलिंग थी। अब हम आपको लेके चल रहे हैं थोड़ा अंदर की साइड अंडरग्राउंड, जहाँ पर माता जी की मूर्ति है। तो ये वो जगह है, यहाँ हम अंदर जाएंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर माता, यहाँ पर जब नौरते होते हैं तो यहाँ पर हर रात को आरती होती है। यहाँ पर गाइस यहाँ पर सारे लोग आते हैं, यहाँ आरती होती है पूरी रात चलती है। तो चलो अब बाहर चलते हैं। और अभी हमने आपको दिखाया श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर, यहाँ पे शिव मंदिर में है शिव मंदिर जो कि पांडवों ने खुद बनाया था। बाकी कुछ इसके बारे में थोड़ा हमारे पंडित जी बताएंगे। तो आप बताइए कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कौन कैसे आया था? ये पांडवों के टाइम से ही जो है शिवलिंग है। अच्छा, यहाँ पर पांडवों ने जो है पड़ाव डाला था जब कुरुक्षेत्र जो है लड़ने के लिए गए। अच्छा, और उनकी जो माँ थी जो है, एक माँ तो उनकी कुंती थी, दूसरी माधुरी थी जिसके नकुल सहदेव थे। अच्छा, वो अपने पति के साथ जो है मतलब वो हो गई थी जो है माधुरी, उन्हीं के नाम से माधुरीपुरम नामक जो है गांव। अच्छा, ये माधुरीपुर उन्हीं के नाम से। हाँ, उन्हीं के नाम से ये गांव स्थित। अच्छा, और लगभग ये जो है 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है। अच्छा, और ये ऐसा का ऐसा ही है? ऐसा का ऐसा है। ये बैक साइड है मंदिर के। अच्छा, तो उनकी यहाँ मूर्ति बनाई लगाई, मूर्ति लगाई
गुफा नीचे भी है। हाँ नीचे और बाकी अभी पंडित जी हमें एक गुफा की ओर लेके जा रहे हैं। ये देखिए ये हमारे ये नथुदास बाबा की मूर्ति लगाई उनके मतलब होने के बाद। अच्छा। बाकी ये गुफा सरोवर को जाती थी पहले तो इसी में यही इसी साइड इसी में रहते थे। अच्छा। मतलब कई चीजें उन्होंने हकीकत गांव वालों को बताई। एक बार पीछे हनुमान जी का मूर्ति स्थापित किए थे। अच्छा। वहीं तक पंजाई बाग मतलब मादीपुर है उससे आगे पंजाई बाग तो इनसे भी काफी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये हमारे नत्थू महाराज जी संत नत्थू महाराज जी इन्होंने ही जो है यहाँ शिवलिंग की रक्षा करी थी। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर इसी गुफा में जो आप इतना छोटा सा आप देख रहे हो यही इन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करी थी और शिवलिंग जो आपने देखा है उसकी रक्षा करी थी उसकी उनकी पूजा करी थी इन्होंने। तो चलो गाइस अब चलते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर की ओर। ये देखिए ये रास्ता यहाँ पे दिखाया गया। गाइस ये वो प्राचीन मंदिर है जो उन्होंने हमारे महाराज जी ने बता दिया था पहले कि इससे आगे मादीपुर नहीं रहे इससे आगे कोई और जगह चालू हो जाती है जो है पंजाबी बाग। अब हम जा रहे हैं उस हनुमान मंदिर की तरफ जो हमारे नथू राम जी ने जो बनाया था। तो ये है हनुमान मंदिर जो कि नथू राम जी ने बनाया था यहाँ उस टाइम पे जब वो यहाँ पूजा अर्चना करते थे। तो गाइस ये है वो प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि आप देख सकते हो। हनुमान मंदिर जो आपने देखा उनके जस्ट पीछे ही जो है ना पूरा पंजाबी बाग स्टार्ट हो रहा है मादीपुर यहाँ पर एंड हो रहा है। मादीपुर गांव का जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे जो है ये हनुमान मंदिर बनाया हुआ है और काफ़ी पुराना है। गाइस हमने आपको मंदिर दिखा दिया है पूरा। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो गाइस जैसा कि हमने आपको दिखाया पूरा बताया अभी प्राचीन शिव मंदिर जो कि पांडवों ने अपने हाथ से बनाया था ये स्थित है मादीपुर गांव में। और अगर आपको कभी अपनी फैमिली वालों के साथ या आपको कभी आना हो तो आप जरूर आना इस प्राचीन शिव लिंग को देखने के लिए। तो चलिए गाइस फिलहाल हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर शिवाय शंकर।